राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे बोलने आए। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए कहा, दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को वो मौका नहीं मिलता जो बाकी सबको मिलता है। उनकी इस बात पर सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की राष्ट्रपति कौन है? वे ट्राइबल समाज से आने वाली महिला है। जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं उसमें कई सालों तक एक महिला ही अध्यक्ष रही है। सत्ता और विपक्ष के बीच काफी देर तक चले हंगामे के बाद भी खड़गे ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। यह बिल राज्यसभा में 2010 में पास हो चुका है। मैं कोशिश कर रहा था कि जो कानून बने उसका लाभ गरीबों को, महिलाओं को मिले। मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बीच में बोलने लगे, आपके राज्य में फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। दोनों पक्षों को शांत करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आज ऐतिहासिक दिन है, इसको हंगामे की भेंट न चढ़ाएं। ये मुद्दा बहुत जरूरी है, कई प्रयास हुआ लेकिन बिल पास नहीं हो सका। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।